हेलो गाइस, वेरी वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक कमेंट आया हुआ था विद्यार्थियों का कि राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है, सर थोड़ा बता दीजिएगा एक वीडियो बना के। उपराष्ट्रपति का कितना होता है, गवर्नर का कितना होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे गाइस। कल मैंने आप लोग को उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था, लेकिन वीडियो जो है आपका टेक्निकल इश्यू के कारण आपका हाफ ही बन पाया था। आज इसी के बारे में बताने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति का आपका सैलरी पर मंथ कितना होता है, गवर्नर का कितना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कितना होता है, और जो भी हाई कोर्ट के जो आपका जज होते हैं, जो वहाँ के स्टेट का जो मेन जज होते हैं, उनका सैलरी कितना होता है पर मंथ, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर गाइस, अगर वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें ताकि मैं अपना जो है वीडियो में क्वालिटी में और सुधार कर सकूं। और आपका जो भी दोस्त है उनको भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज जो है आगे तक बढ़ सके, और आपका जो है धीरे धीरे आपका भी जो भी आपका सब्सक्राइबर है आपके साथ में जो भी आप भूमिका निभाइएगा ताकि इस चैनल आपका आगे बढ़ते हुए रहे गाइस। तो चलते हैं गाइस, सीधा आपका टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग को वेलकम है सबसे पहले आपका नीतीश कॉमर्स क्लासेस के साथ साथ। आज जो है आप लोग को बताना चाहता हूं इस चैनल में जीएस का भी पढ़ाई होती है गाइस। देखिए, कल मैंने आप लोग को क्या बोला था, राष्ट्रपति के बारे में बतलाया हुआ था कि राष्ट्रपति का जो सैलरी होती है, कल मैंने बतलाया था कि राष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है, बताइए सरिता कुमारी आपका जो होता है राष्ट्रपति का सैलरी, मैंने बतलाया था ₹5 लाख। कितना होता है आपका? ₹5 लाख पर मंथ, ये राष्ट्रपति का वेतन होता है। सभी लोग सैलरी के बारे में पूछे आज के समय ना गाइस, सभी लोग सैलरी कितना कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी एवरी मंथ। तो आज आप लोग जान लीजिए कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का आपको नाम पता होगा, माननीय आपका रामनाथ कोविंद जो है अभी भारत के राष्ट्रपति है, आपका प्रेजेंट में जो है सैलरी माना गया ₹5 लाख पर मंथ। और ध्यान है गाइस, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जरूरी है गाइस, ये कल भी बताया था। और इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल जो होता है, ये 5 ईयर होता है गाइस, ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है और आएगा भी गाइस। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति अभी कौन है, सबसे पहला आप ये बताइए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए वेंकैया नायडू, हॉनरेबल आपका जो है माननीय आपका वेंकैया नायडू जो है अभी जो है वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति हैं। तो गाइस आप ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है, आप बताइएगा। सुनीता कुमारी कितना बोले? 4 लाख। ओके, तो उपराष्ट्रपति का जो सैलरी होता है आप ध्यान दीजिएगा ₹4 लाख, 4 लाख जो होता है पर मंथ, 4 लाख पर मंथ। आप क्या बोले थे? 1.5 लाख। और 1.5 लाख नहीं गाइस, 1.5 लाख नहीं होता है, अभी जो वर्तमान में जो दिया हुआ है ₹4 लाख होती है गाइस, 4 लाख, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख तो छोटा चीज है, ये छोटा मोटा बोल रहे हैं। ये आपका जो है ₹4 लाख जो होती है ये पर मंथ जो है आपका सैलरी है, पर मंथ आपका सैलरी जो है उपराष्ट्रपति का जो कितना मिलता है आप लोग, तो दिमाग में रख लीजिएगा 4 लाख। और इसी में से एक सवाल आपको पूछ देते हैं जो आता है एग्जाम में कि ये बताइए कि राज्यसभा का पदेन सभापति किसे कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन बनता है गाइस। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, कीप इन माइंड कि राज्यसभा का जो होता है पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। ये हुआ दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर एक क्वेश्चन का और है, पूछा करता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं आपका भारत के दूसरा नागरिक माने जाते हैं संवैधानिक रूप से, ठीक है। और ध्यान रहे गाइस, शायद आपको क्वेश्चन ये आपको मालूम चल गया होगा कि आपका पर मंथ कितना सैलरी होना चाहिए, 4 लाख, और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं गाइस। गाइस आप लोग जो है इस चैनल में बने हुए हैं तो आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि सुबह में भी आपका जो है स्पोकन इंग्लिश मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। आप चाहते हैं आज इंडिया में घूमने के लिए तो आप इंग्लिश बना के रखें, आप लोग सुबह में इंग्लिश का भी आपका वीडियो अपलोड कर दिया करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके सुबह वाला जो भी आप प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं स्पोकन इंग्लिश प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा और लोगों को शेयर करते हुए रहेंगे गाइस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे, ठीक है गाइस। ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। अब चलते हैं गाइस आपका
राज्यपाल, राज्यपाल का सैलरी कितना होता है? सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नर जो होते हैं उनका सैलरी कितना होता है? तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो अभी आप बताइए, तो रिसेंटली में आपका जो है राज्यपाल कौन है, बताइए बताइए, क्या बोल रहे हैं आपको? द्रौपदी मुर्मू नहीं, सुनीता कुमारी जी नहीं, चेंज हो चुकी है, चेंज हो गए हैं ना, अबर रिसेंटली बने हैं आपका झारखंड के नए राज्यपाल, बताइए आप बताइए सोनी कुमारी, क्या? ना ना ना, गलत बोल रहे हैं आप। अभी जो है झारखंड के जो आपके राज्यपाल बने हुए हैं उनका नाम है आपका रमेश बेस, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है, खैर हमको उतना डिस्कस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पे आना है कि गवर्नर का आपका सैलरी कितना होता है। सब लोग सैलरी के लिए तरसते हैं, तो सैलरी जो है ये है 350 लाख रुपीज पर मंथ। ये आप जो है कीप इन योर माइंड, उपराष्ट्रपति का जो मतलब सॉरी राज्यपाल का जो सैलरी होता है वो कितना आपका 3.5 लाख रुपया पर मंथ। एक आपका जो है मंथ में आपका 3.5 लाख रुपया आपका मिलता है। आप लोग कितना कमाते हैं? कुछ नहीं है। आप लोग को भगवान आपको इतना सारा देंगे ना, मेहनत कीजिए, हो सके आने वाला टाइम में आप ही होंगे आप भारत के राष्ट्रपति, और मैं जिसको बोलता हूँ लग जाता है आप लोग में से कोई ना कोई राष्ट्रपति बनने वाला आने वाला टाइम है ना। चलते हैं गाइस, अब जो है सुनीता कुमारी अगला जो है आप शायद मुझे पूरा विश्वास करने वाला टाइम में आप बनिएगा, है ना। अब चलते हैं गाइस, आपका नेक्स्ट है आपका दैट इज कॉल्ड CJI के बारे में। आप लोग नाम सुनेंगे CJI, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आपका सैलरी कौन है? सबसे पहले ये बताइए, अभी जो है वर्तमान में जो है चेंज हुए हैं, अभी नरवणे करके आपका भारत के आपका CJI लास्ट में टाइटल है, लेकिन आप ये बताइए कि जो CJI जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका सैलरी कितना होता है, बताना चाहेंगे आप? बताइए ममता कुमारी, आप बताइएगा, नहीं पता है, अच्छा कोई बात नहीं। कितना बोल रहे हैं? 50,000। 50,000 में क्या होगा, 50,000 तो यू करके आदमी कमा लेता है आपका। नहीं नहीं, आपका जो है सैलरी जो CJI का पर मंथ है वो है ₹2,80,000 पर मंथ। ये है आपका सैलरी, आपका 2,80,000 पर मंथ जो है CJI को दिया जाता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ बोलना भूल गए, राज्यपाल बनने के लिए एज कितना होना चाहिए मिनिमम? राष्ट्रपति इक्वल टू आपका राज्यपाल, जिस तरह राष्ट्रपति का 35 ईयर होता है ना, इस तरह यहाँ पे गवर्नर का बनने के लिए आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी आपका जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका रिटायरमेंट एज मिनिमम कितना माना गया है, मतलब मैक्सिमम आपका रिटायर कब कर जाते हैं, कितना एज में आपका मैक्सिमम कितना आपका? तो आप दिमाग में रखिएगा 65 ईयर्स। और वही अगर आपका अगर किसी स्टेट के होंगे, है ना, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होंगे तो उनके लिए 62 ईयर्स होना चाहिए, है ना। तो ये था आपका राज्यपाल के बारे में, CJI के बारे में आपको मालूम चल गया 2,80,000 होता है। इस तरह गाइज आप ये बताइए कि आपका कोई भी आपका स्टेट के जो आपका जिसको बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का आपका सैलरी कितना होता है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, इसी तरह प्रत्येक राज्य में जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होते हैं उनका सैलरी कितना होता है, बताना चाहेंगे आप? अब बताइएगा सोनी कुमारी, कितना होता है आपका? नहीं पता है, क्या बोल रहे हैं आप? 70,000। नहीं नहीं, 70,000 नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। इनका सैलरी जो होता है आपका कम कीजिए, आपका 2,50,000 जो होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का सैलरी होता है, है ना, 250 लाख करंट में जो आपका लेटेस्ट में जो है ना सैलरी इतना होता है। और लास्ट जो है आपका जो किसी भी स्टेट के जो होते हैं आपका जज लोग, उन लोग को सैलरी जो होता है 2,25,000 अभी करंट में है। अच्छा और यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यहाँ भी बहुत सारे जज जो होते हैं सीनियर जज, तो यहाँ उन लोग को सैलरी होता है 2,50,000। तो ये आप दिमाग में रखिए गाइज। गाइज इस चैनल में आप लोग को पता है कि GS के साथ साथ आपका मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आपका होता है, और ध्यान दीजिएगा मैथ और रीजनिंग और GS शाम में अपलोड की जाती है इसी चैनल में,
और मॉर्निंग में आप लोग में से जो जिनका इंग्लिश आपका कमज़ोर है, सिर्फ आप लोग के लिए नहीं बल्कि वो चैनल स्पोकन जो बनाया गया है आप लोग के साथ साथ आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं जिनका क्लास 6 से ऊपर है, या मान लेते 10 भी 11 12 किसी में भी इंग्लिश ख़राब है, तो उनके लिए भी विशेष तरीके से स्पोकन इंग्लिश में मैंने स्टार्ट किया हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने कुछ शर्त मैंने बताया हूँ कि इंट्रोडक्शन देने से पहले क्या क्या सोचे, क्या क्या करें, तो आप लोग वीडियो अपलोड जरूर देखा कीजिए। स्पोकन इंग्लिश के भी डालता हूँ, शाम में आप लोग को मालूम है GSR रीजनिंग और मैथमेटिक्स का डाला जाता है। और आप लोग में से अगर आपको कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त अगर हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जिनको कॉमर्स में इंटरेस्टिंग है आपका अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, तो मैं अकाउंटेंसी के लिए प्रत्येक दिन आपका वीडियो अपलोड किया करता हूँ, आप वीडियो जाके देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग को हृदयपूर्वक धन्यवाद।